डिवाइन कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे भारत के प्रमुख शोध संस्थान, जो भारत में प्रमुख शोध संस्थान है आज हम लोग उसके विषय में बात करेंगे। इससे पहला है भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान, द्वितीय है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, तृतीय है भारतीय मौसम वेधशाला और चौथा है केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान। इससे पहले आता है भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान, ये आपका है ट्रांबे महाराष्ट्र, ट्रांबे जो कि सिचुएटेड है महाराष्ट्र में। अगला आता है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, ये आपका है मुंबई में। फिर आपका आता है भारतीय मौसम वेधशाला, ये है पुणे महाराष्ट्र, ये भी महाराष्ट्र में है पुणे महाराष्ट्र। चौथा है केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान, जब बात आ जाए इंजीनियरिंग की तो ये आपका है नागपुर महाराष्ट्र, नागपुर महाराष्ट्र। एक बार पुनः देखेंगे, भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान ये आपका है ट्रांबे महाराष्ट्र में, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ये मुंबई में है, भारतीय मौसम वेधशाला ये आपका पुणे जो कि स्थित है महाराष्ट्र में, और चौथा है केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान अनुसंधान संस्थान ये आपका है नागपुर महाराष्ट्र। फिर आता है केंद्रीय जूट अनुसंधान केंद्र, ये आपका है कोलकाता में अवस्थित है, कोलकाता। इसके बाद आता है भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग, ये भी आपका कोलकाता में है, कोलकाता। फिर इस केंद्रीय गन्ना प्रजनन अनुसंधान संस्थान ये आपका है कोयंबटूर में, तमिलनाडु, कोयंबटूर, कोयंबटूर जो कि कहां अवस्थित है तमिलनाडु। फिर इसके पश्चात है केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान, यह आपका है चेन्नई। फिर इसके बाद है केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान, यह आपका है राजमुंदरी आंध्र प्रदेश, राजमुंदरी, और राजमुंदरी कहां अवस्थित है आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश। केंद्रीय जूट अनुसंधान केंद्र कहां है कोलकाता में है, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कहां पे है कोलकाता में है, केंद्रीय गन्ना प्रजनन अनुसंधान संस्थान कहां पे है कोयंबटूर तमिलनाडु में है, और केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान आपको कहां है ये आपका चेन्नई में है, और केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान ये आपका राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में है। फिर हम लोग बात करते हैं केंद्रीय शुष्क भूमि अनुसंधान संस्थान, जैसे है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान है, केंद्रीय नारियल है, तो इसी क्रम में हम लोग बढ़ते हैं केंद्रीय शुष्क भूमि अनुसंधान संस्थान ये आपका हैदराबाद में, हैदराबाद। फिर उसके बाद आता है केंद्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, ये आपका करनाल हरियाणा, करनाल हरियाणा ये अवस्थित है हरियाणा में। फिर इसके बाद आता है केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान, ये आपका है कासरगोड केरल, केरल में नारियल उत्पादन सर्वाधिक है कासरगोड केरल, केरल। फिर उसके बाद आता है केंद्रीय नमक और रसायन संस्थान, ये आपका है भावनगर गुजरात, भावनगर गुजरात में है। इसके बाद आता है केंद्रीय कपड़ा अनुसंधान संस्थान, ये आपका है केंद्रीय कपड़ा है अहमदाबाद यानी गुजरात में, ये भी गुजरात में है अहमदाबाद जो कि कहां अवस्थित है गुजरात में। फिर अंतिम आता है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र, ये आपका है जोधपुर में, और जोधपुर कहां अवस्थित है राजस्थान,
ये आपका है जोधपुर में और ये स्थित है राजस्थान। एक बार पुनः देखेंगे हम लोग, केंद्रीय शुष्क भूमि अनुसंधान संस्थान ये हैदराबाद में है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ये आपका करनाल हरियाणा में है, फिर इसके बाद आता है केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान ये आपका कासरगोड केरला में है, उसके बाद आता है केंद्रीय नमक और रसायन संस्थान ये आपका भावनगर गुजरात में है, फिर उसके बाद आता है केंद्रीय कपड़ा अनुसंधान संस्थान ये आपका है अहमदाबाद गुजरात में, और उसके बाद आता है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान ये आपका है जोधपुर राजस्थान, फिर आता है केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान ये आपका है देहरादून, देहरादून, फिर उसके बाद आता है भारतीय सर्वेक्षण विभाग ये भी आपका है देहरादून में, देहरादून, फिर आता है केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान ये आपका मैसूर जो कि अवस्थित है कर्नाटक में, मैसूर ये कहाँ है कर्नाटक में है, फिर आता है भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान ये आपका है कर्नाटक जो कि बेंगलुरु में है, कर्नाटक कहाँ है बेंगलुरु, बेंगलुरु, फिर आता अगला केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान ये आपका है कटक जो कि अवस्थित है उड़ीसा में, कटक ये कहाँ है उड़ीसा में, फिर उसके बाद आता है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान ये आपका है शिमला जो कि हिमाचल प्रदेश में, शिमला और कहाँ पे अवस्थित है हिमाचल प्रदेश, पुनः देखेंगे केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान ये आपका देहरादून में है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग ये भी आपका देहरादून में है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान ये आपका मैसूर में है जो कि अवस्थित है कर्नाटक में, फिर आता है भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान ये आपका कर्नाटक बेंगलुरु में है, फिर आता है केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान ये आपका कटक उड़ीसा में है, और फिर आता है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान और ये आपका हिमाचल प्रदेश शिमला में है, फिर होता है केंद्रीय लाख अनुसंधान संस्थान ये आपका है रांची झारखंड, रांची झारखंड, और इसका अब नवीन नाम हो गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केंद्रीय लाख अनुसंधान संस्थान का नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रेजिन एंड गम, GUM, IINRG, इसका संक्षिप्त नाम IINRG, पुनः देखेंगे केंद्रीय लाख अनुसंधान संस्थान आप कहाँ है रांची झारखंड में है, और इसका जो नवीन नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रेजिन एंड गम यानी IINRG, उसके बाद आता है केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान ये आपका धनबाद झारखंड में है, ये अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है धनबाद झारखंड, झारखंड में है, उसके बाद आता है केंद्रीय ट्रैक्टर अनुसंधान संस्थान ये आपका नई दिल्ली में है, नई दिल्ली में, उसके बाद आता है भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान ये भी आपका नई दिल्ली में है, नई दिल्ली में है, फिर आता है केंद्रीय प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान और ये आपका जो है गुजरात में, ये जो है गुजरात में, एक बार पुनः देखेंगे केंद्रीय लाख अनुसंधान संस्थान जिसको इंग्लिश में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रेजिन एंड गम कहते हैं IINRG, ये आपका रांची झारखंड में है, फिर उसके बाद आता है केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान ये आपका धनबाद झारखंड में है, फिर आता है केंद्रीय ट्रैक्टर अनुसंधान संस्थान ये आपका जो नई दिल्ली में है, फिर आता भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान ये भी आपका नई दिल्ली में है, और उसके बाद अंतिम आपका है केंद्रीय प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान ये भी गुजरात में है।
फिर आता है केंद्रीय लीची अनुसंधान संस्थान, ये आपका है मुजफ्फरपुर बिहार में है ये अनुसंधान संस्थान मुजफ्फरपुर बिहार में है मुजफ्फरपुर बिहार में है बिहार। फिर उसके बाद है केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान, ये आपका है जादूगोड़ा और ये पड़ता है झारखंड में जादूगोड़ा और ये कहां पे झारखंड में है फितरती है। केंद्रीय कांच मृतिका अनुसंधान संस्थान ये आपका पश्चिम बंगाल जो कि कोलकाता में है पश्चिम बंगाल और ये कोलकाता में अवस्थित है कोलकाता। फिर उसके बाद आता है केंद्रीय कोशिकीय तथा आणविक विज्ञान केंद्र ये आपका है हैदराबाद जो कि कहाँ अवस्थित है आंध्र प्रदेश में और अंतिम आपका है इस टॉपिक का जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान ये आपका है चंडीगढ़ में एक बार पुनः हम लोग रिवाइज करेंगे। केंद्रीय लीची अनुसंधान संस्थान ये आपका जो है मुजफ्फरपुर बिहार में है। फिर आता है केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान ये आपका जादूगोड़ा झारखंड में है। फिर आता है केंद्रीय कांच मृतिका अनुसंधान संस्थान ये आपका पश्चिम बंगाल जो कि अवस्थित है कोलकाता में। उसके बाद आता है कोशिकीय तथा आणविक विज्ञान केंद्र ये आपका हैदराबाद में जो कि आंध्र प्रदेश में है। और फिर उसके बाद है आखिरी इस टॉपिक का जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान ये आपका चंडीगढ़ में। धन्यवाद।